गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझना भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझते हैं एक बार। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है हमने एक प्लस वन यूनिट चार्ज इन्फिनिटी पर प्लेस्ड कर दिया। इन्फिनिटी का मतलब यहां पर बहुत ज्यादा दूर। इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में ला रहा हूं मैं, तो मुझे जो क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। इस वर्क डन को मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to फील्ड ऑफ अनदर चार्ज क्यू। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से इस अनदर चार्ज क्यू में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट डाउन करो इस डेफिनेशन को। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी। हमें एक सिंपल क्यू चार्ज को, एक सिंपल क्यू चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहां से ला रहा था मैं, इन्फिनिटी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कहां से ले जा रहा हूं, ए से बी पर। ए से बी पर ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड इट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। सिंपली हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं या पोटेंशियल भी कह देते हैं। नोट डाउन कर लो तुम।